नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ZTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम ZTL इंफ्रा पर अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को कल लेट नाइट को नजर आया था। फिलहाल अभी के टाइम दोस्तों स्टेटमेंट को लेकर क्या अपडेट होने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों अब कंपनी के जो कोई क्वार्टर रिजल्ट 4 की जो डेटा है वो कब तक आने वाले हैं, किस प्रकार की आउटलुक्स देखने को मिल सकती है और अभी के टाइम हम लोग को क्या होल्डिंग बनानी चाहिए। प्राइस के रूप में अगर सीधे बात की जाए तो दोस्तों लास्ट प्राइस क्लोजिंग जो नज़र आई थी तो वो 1.75 रुपये पर नज़र आई थी। अब 1.75 रुपये पर जो क्लोजिंग थी वो पिछले दो सेशन से कंटिन्यूसली नज़र आई है। पर अभी के टाइम दोस्तों कंपनी की तरफ से ऑफिशियल जो अपडेट देखने को कल देखने को लेट नाइट को नज़र आया था दोस्तों, उसमें जो अपडेट यहाँ पर देखने को मिला कि कंपनी जल्द ही जो है प्रोसेसिंग ऑफ द एनुअल एंड जनरल बोर्ड मीटिंग। तो दोस्तों कंपनी क्वार्टर 4 रिजल्ट को लेकर एनुअल बोर्ड मीटिंग जारी करने वाली है, पर कंपनी की तरफ से दोस्तों जो डेट है वो काफ़ी गलत जारी की गई है, क्योंकि सितंबर 28, 2023 दोस्तों डेट निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम कंपनी की तरफ से दोस्तों मिसटाइपिंग का दोस्तों जो मैनेजमेंट की तरफ से जो डेटा है वो यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी अगर कंक्लूजन अगर देखा जाए तो डेट का ही कंपनी ने यहाँ पर कंक्लूजन जारी किया है, क्योंकि दोस्तों 28 सितंबर 2023 ये डेट दोस्तों ऑलरेडी जा चुकी है, डेट 2024 की आएगी। तो दोस्तों उसको लेकर अभी तक दोस्तों कंपनी की तरफ से कोई अपडेट ये जारी नहीं हुआ कि कंपनी को दोस्तों गलत स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज हो चुका है, क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों ZTL इंफ्रा पर अगर खास अगर बात की जाए तो कंपनी ऑलरेडी दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक दोस्तों ये डेट अगली दोस्तों अप्रैल की देखने को नज़र आ सकती है, इस अप्रैल के महीने की 28 तारीख नज़र आ सकती है, क्योंकि कंपनी की एनुअल बोर्ड मीटिंग जो है वो इस महीने हो सकती है और नेक्स्ट मंथ कंपनी का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों जो मीटिंग होने वाली है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होने वाली है, तो वो दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दूँ कि फिलहाल कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कल नेट नाइट को जारी हुआ था, पर अभी तक दोस्तों कंपनी ने दोस्तों इस अपडेट के ऊपर दोस्तों कोई भी जो है डिसीजन यहाँ पे जारी नहीं किया कि कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों जो डेट है वो यहाँ पे गलत जारी कर दी गई है, जो कुछ भी हो वो अभी तक देखने को मिला नहीं है। फिलहाल दोस्तों मेरा तो पर्सनल नज़रिया यही होने वाला है कि दोस्तों सितंबर के बजाय यहाँ पर दोस्तों जो डेट हो सकती है वो 28 अप्रैल 2024 होने का जो है काफ़ी बड़ी आउटलुक से यहाँ पर बन सकती है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी जल्द देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी के टाइम अगर देखा जाए तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दोस्तों ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है, गाइडलाइन इश्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सेबी की तरफ से ये दोस्तों अभी टाइम अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। फिलहाल कंपनी जल्दी जो है वो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग फाइनल करने वाली है, तो फिलहाल आप जितना हो सके अगर बोर्ड मीटिंग पर डेट फिक्स अगर सही कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दोबारा रिलीज़ किया जाता है तो दोस्तों आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल डेट जो है वो यहाँ पे मिसगाइडेड वाली डेट यहाँ पे कंपनी ने जारी की है। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इस स्टॉक की अगर बेसिक डेटा पर अगर मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर सजेस्ट किया था कि फिलहाल कंपनी की कुछ नेगेटिविटी अभी भी मार्केट में अवेलेबल होने वाली है, जिससे दोस्तों आंकड़ों में एक बदलाव उतार चढ़ाव के साथ नज़र आ सकता है और अभी के टाइम देखने को नज़र भी आया था। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम मेन जो मुख्य मुद्दा नेगेटिव बनता है तो वो कर्ज का देखने को मिल रहा है, बाकी अगर देखा जाए तो मार्केट कैप काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लगातार उतार चढ़ाव दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नज़र आए, पर अभी के टाइम कंपनी के रिजल्ट को लेकर अभी तक और बाकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को दोस्तों मिला नहीं है, क्योंकि दोस्तों 6 अप्रैल को नजर आया था और यहाँ पे जो पोस्टल बैलेट आउटकम जो एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग को लेकर दोस्तों डेटा यहाँ पे जारी हुआ है। फिलहाल नेगेटिविटी की भरमार अगर कंपनी में देखी जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, कि कंपनी का ब्याज और रेज अनुपात काफ़ी कम होने वाला है, साथ ही साथ सेल्स की ग्रोथ पिछले 5 सालों में 9% गिर चुकी है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगर देखी जाए तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरी, कंटेंट लेबिलिटीज अगर देखा कंपनी के जो
देनदारी जो है वो यहाँ पे 2410 करोड़ की रहने वाली है। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अभी के टाइम जो है काफ़ी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% गिरवी रखी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो अभी के टाइम आकस्मिक देनदारी की जो लागत है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक से बढ़कर एक नेगेटिविटी रहने वाली है। और दोस्तों एक नेगेटिविटी जो कर्ज वाली अगर कंपनी के ऊपर से हट जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों सारी की सारी नेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्केट से डिलीट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। क्योंकि कंपनी का नेगेटिव पॉइंट यही मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी बड़ा है, और कंपनी अगर टोटल कर्ज मुक्त होती है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के दोस्तों एक लॉटरी लगने जैसा कार्य हो सकता है। तो फिलहाल अपना जो ओपिनियन हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपनी खुद की पर्सनल रिसर्च से ज़रूर से कर लेना। दोस्तों मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सेबी से दोस्तों को रजिस्टर्ड नहीं हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक।